बीते 24 घंटों में कोरोना के लगभग 9,000 नए केस आए सामने, 437 लोगों ने तोड़ा दम। गौतम गंभीर को कश्मीर से मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में आया सुधार, एक्यूआई 280 पर पहुंचा। तीसरे ट्रायल के नतीजों में कोरोना के खिलाफ 78% असरदार रही कोवैक्सीन। भारत सरकार में क्रिप्टो करेंसी की बैन की तैयारी, ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी हो रही है क्रैश। वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय महिला खिलाड़ियों का जलवा, मिताली राज तीसरे नंबर पर बरकरार। केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में मिल सकती है खुशखबरी, जनवरी 2022 में एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ने के कारण बढ़ेगी उनकी सैलरी। कर्नाटक में बाढ़ से बुरा हाल, पीएम मोदी ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। एलपीजी सिलेंडर पड़ेगा 300 रुपए सस्ता, अगर लोग सब्सिडी वाले बैंक खाते से लिंक करा लें आधार कार्ड। बिग बॉस 15 शो में हुआ शॉकिंग एलिमिनेशन, सलमान खान के घर से सिम्बा नागपाल को दिखाया गया बाहर का रास्ता।